हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन, यानी पाचन तंत्र एवं पोषण। जो यह पाचन तंत्र एवं पोषण का दूसरा वीडियो है, इसके पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट नंबर 5 में मैंने इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, ये दूसरा पार्ट है। जैसा कि दोस्तों, इन सभी टॉपिक का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, मैंने ऑल चैप्टर थ्योरी सेशन अच्छे से कवर कराया हुआ है। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी प्रकार के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज थ्योरी सेशन पूरा किया गया है एंड एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस किया दिया गया है। एंड बीपीएससी के लिए मैंने जो भी टीआरयू 2 के लिए 80 से 85 वीडियोज में आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है, वो सभी वीडियोज फिर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे। और मैं जो आपको ऑनलाइनर के माध्यम से इस टाइम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करा रही हूँ कि आपके मन में कोई भी टॉपिक से कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि डीपली जब तक आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अच्छे से क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मैं सभी टॉपिक को डीपली ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, और ऐसा नहीं है जो भी आप एग्जाम देते होंगे सभी एग्जाम्स में जो मैंने पढ़ाया है उससे 100% क्वेश्चंस आते हैं। 90% क्वेश्चंस बीपीएससी में पढ़ाया हुआ ही आया था। तो अपने माइंड को परीक्षा हाल में अच्छा रखा कीजिए, क्योंकि तैयारी तो सबकी होती है, बट बहुत सारे चुक जाते हैं कि ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं एग्जाम हाल में जाकर के। तो कोई प्रेशर नहीं, बस ये सोच के परीक्षा दीजिए कि जो होगा देखा जाएगा, अपना कर्म करने पर ध्यान दीजिए, फल में नहीं। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि अपने कर्म करने पर ध्यान दीजिए, फल तो आपको अवश्य मिलेगा कर्म के अनुसार। तो लास्ट आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि बीपीएससी टीआई 2 में जो भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो सभी अपने आप को निराश न समझे, बहुत सारे एग्जाम्स हैं अभी, एंड टीआई 3 भी अगस्त में होगा, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, कौन सा एक स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक है? तो स्वस्थ आहार में संतुलित आहार आता है दोस्तों, जिसमें 6 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। तो यहाँ पे आसन में दिया रहा होगा ये 6 में से कोई एक, जिसमें से पानी भी एक घटक है। ठीक है, ऑप्शन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके अनुसार आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आरईआर को चयापचय के लिए इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा रूप क्या है? आरईआर का फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। दोस्तों, यहां पे दो क्वेश्चन बनता है। यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि RER का फुल फॉर्म क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। RER का उपयोग क्या है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो RER का प्रयोग किया जाता है चयापचय के लिए इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चयापचय यानी कि मेटाबोलिज्म के लिए इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो RER का। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये नहीं है कि एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया तो बार बार वही पूछेगा, घुमा करके दूसरे टाइप से पूछ सकता है। बस आपको मालूम होना चाहिए, चाहे उसको 10 प्रकार से बना के पूछे, आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और उसकी कमी में मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है, हो सकता है। यह पनीर, सीरा और हरी फूल गोभी में पाया जाता है। यह कौन सा तत्व होता है जो इंसुलिन को, इंसुलिन हार्मोन को उत्तेजित करता है? तो वह होता है क्रोमियम, यानी क्रोमियम जो है इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। तो यहां पे भी 2-3 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमियम का क्या कार्य है? तो क्रोमियम इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है या इंसुलिन को उत्तेजित करता है। और यहां भी बन सकता है कि क्रोमियम किसमें किसमें पाया जाता है? तो पनीर में, सीरा में, हरी फूल गोभी में पाया जाता है। ठीक है,
और बहुत सारे मिनरल्स यानी कि खनिज लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, ये रक्त स्कंदन में सहायक होता है, हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। पोटेशियम जो होता है तंत्रिका सूत्रों को लाने और ले जाने का कार्य करता है, पेशी संकुचन का कार्य करता है। जो सोडियम होता है वो रक्त दाब और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करता है, और सोडियम जिसे नमक में सोडियम पाया जाता है, तो सोडियम की अधिक मात्रा लेंगे तो आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। लोहा जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। एंड आयोडीन जो है वो आपके प्रतिदिन लाइफ में अनिवार्य होना चाहिए। और सल्फर जो क्या होता है, सल्फर जो है प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है और ब्रिकों में पत्थरी बनने से रोकता है। और क्लोरीन जो है शरीर में क्लोराइड के रूप में होता है और जल संतुलन बनाने के काम आता है। और जठर रस का आवश्यक तत्व होता है क्लोरीन, ये भी याद रखिएगा। जठर रस का आवश्यक तत्व क्या होता है, क्लोरीन। यानी कि एंड जिंक जो है एंजाइमों के कार्यों में सहायक होता है। अगर क्रोमियम इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है तो जिंक जो है एंजाइमों के कार्यों में सहायक होता है। और कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। एक तत्व और पूछा जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दांतों में पाए जाते हैं और इनेमल के निर्माण में सहायक होता है। जैसा कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन, अर्थात इतना ग्राम से अधिक नमक प्रतिदिन नहीं लेना चाहिए। तो 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम यानी कि नमक जो है ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है, एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है। तो दोस्तों हमारे मानव शरीर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा अकार्बनिक पदार्थ है दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ से 96% भाग हमारे शरीर का बना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ से 4% बना होता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जैविक अणु जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कार्बन नामक घटक हाइड्रोजन के साथ रहती हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आदि आते हैं। इससे 96% भाग बनता है हमारे शरीर का। एंड जो 4% भाग होता है वो अजैविक अणु यानी अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि खनिज लवण से बना होता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सोलिनियम एंड फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो कितना हिस्सा खनिज तत्वों से बना होता है, तो 4%, ठीक है। तो 4% हमारा खनिज तत्व यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है, और 96% भाग हमारे शरीर का बना होता है दोस्तों कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये पूछेगा कि 99% भाग किसी मिलकर बना होता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात यानी पैरालिसिस होने का खतरा रहता है दोस्तों, वह है विटामिन B12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए विटामिन B12 दोस्तों। इसी कमी से आपका याददाश्त यानी याददाश्त शक्ति कम हो जाता है और आपका पक्षाघात भी हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु सहयोगी तत्व के रूप में कार्य करता है। एंड B12 जो है विटामिन B12 रक्त निर्माण में विशेष रूप से सहयोग होता है और DNA के संश्लेषण में भी सहयोग करता है, याद रखिएगा। एंड विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में विटामिन और मिनरल्स का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार में 6 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आवश्यक होता है। एंजल जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण टूट फूट का मरम्मत करते हैं, एंड विटामिन एंड मिनरल्स यानी खनिज लवण जो है हमारे शरीर को रक्षा करते हैं,
हमारे शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं एंड रोग निरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों विटामिन मिनरल्स का क्या कार्य है कि साधारण वृद्धि और विकास और उपापचय को प्राप्त करना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि और एवं शरीर स्वस्थ रखने का जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों शरीर की वृद्धि हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और वसा से लेते हैं। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है B1, B2, B3, B5, 6, 7 and 9, 11 जो होता है इस सभी के सभी जो है ज़्यादातर अनाजों में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है शरीर की वृद्धि और शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है दोस्तों शारीरिक विकलांगता होती है। तो शारीरिक विकलांगता अधिकतर कुपोषण के कारण होती है यानी कि संतुलित आहार की कमी के कारण। जितना आपको संतुलित आहार प्रतिदिन चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा है तो आप कुपोषण के शिकार हो जाती है। जैसे प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वासी वर्कर या मरासमस रोग। नेक्स्ट दोस्तों ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं। ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन का उत्पादन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एंड नेक्स्ट है के क्रेब्स चक्र कहाँ स्थान लेता है। तो दोस्तों वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वहाँ भी माइटोकांड्रिया कोशिका के माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन करके ऊर्जा बनाता है। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है याद रखिएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं वो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है जबकि माइटोकांड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन से 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार एक ग्लूकोज के द्वारा से 38 ATP का निर्माण होता है। माइटोकांड्रिया ATP का निर्माण करता है और शरीर को जहां भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर इसको ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म इकाई है। तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जहां पे मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन में के ग्लोमेरुलस में ही रक्त का फिल्टर होता है जिसमें से रक्त फिल्टर होकर के रक्त हमारे शरीर में जाता है और जो फालतू पदार्थ बचता है वो मूत्र बन करके हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बाइल कहाँ से स्रावित होता है। तो बाइल यानी कि पित्तरस का निर्माण जो होता है बाइल जूस का वो होता है लीवर में यानी कि यकृत में। ठीक है जिसे जिगर भी कहते हैं से स्त्रावित होता है। जाकर स्टोर कहाँ पे होता है गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में। ठीक है और इसकी पित्ताशय की नली जुड़ी होती है छोटी आंत के पहले भाग डेडुनम में जहां जाकर के पित्तरस क्या करता है वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट दोस्तों खाने का अधिकतम अवशोषण यानी पाचन कहाँ होता है। दोस्तों तो पाचन हमारा शुरुआत होता है हमारे मुख से टैली नामक लार से निकलने वाले टैली नामक एंजाइम से जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पाचन का प्रारंभ हमारे मुख से हो जाता है शुरू हो जाता है और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण दोनों चीज होता है हमारी छोटी आंतों में। ठीक है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है वहां पे किसी प्रकार का पाचन अवशोषण नहीं होता है। ठीक है और औषधियों का अवशोषण दोस्तों होता है अमाशय में। औषधियों का अवशोषण कहां पे होता है अमाशय में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी से होती है। तो आप सबको पता है विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है और जो बी वन की कमी से हमारी भूख नहीं लगता है स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है एंड चावल धोने से बी वन नष्ट हो जाता है। अनाज के छिलके में बी वन पाया जाता है ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री स्कूल बच्चों के भोजन में अधिक आवश्यक क्या है। तो दोस्तों प्री स्कूल यानी स्कूल के पहले बच्चों को क्या जरूरत होती है बच्चों की वृद्धि और विकास होता है। तो वृद्धि और विकास टूट फूट की मरम्मत करता है हमारा प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है बच्चों को। नेक्स्ट है शरीर का कितना परसेंट भाग। तो शरीर का 70% किससे बना होता है दोस्तों भाग।
तो पानी से, 70% भाग पानी से बना होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड वसा में 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पाचन ग्रंथि अग्नाशय की किस तरफ होती है, तो यह बाएं तरफ ज्यादातर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 ग्राम पानी में तापमान को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो जितना पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाने में ऊर्जा लगती है, उतना ही 1 कैलोरी के बराबर होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा होता है दोस्तों, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो मछली में पाया जाने वाला जो पोषक तत्व होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एंड जैसे कि मूंगफली बादाम काजू ये सभी में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। हमारे लिए अनसेचुरेटेड फैट यानी कि फैट दो प्रकार का होता है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैट। जो अनसेचुरेटेड फैट होता है जैसे कि बादाम काजू मूंगफली, इसे ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड जो सेचुरेटेड फैट होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। एक होता है ट्रांस फैट, जैसे कि वनस्पति तेल हो गया, डालडा हो गया, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ये कभी नहीं खाना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए प्रति घंटा कितना मूल्य ऊर्जा अपेक्षित है, तो 1 किलोग्राम शरीर के लिए प्रति केजी भार के लिए प्रति घंटा 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितना 1.3 कैलोरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब होता है कि मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण, ठीक है, मांसपेशियों में ऊर्जा, लोडिंग मतलब भंडार करना, ठीक है, तो मांसपेशियों में ऊर्जा भंडार करके रखना, जो हम कोई कार्य करेंगे तो उस समय वो काम देगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि त्वरित शारीरिक विकास मुख्य रूप से किसका परिणाम है, तो त्वरित शारीरिक विकास, अगर अच्छे से शारीरिक विकास हो रहा है तो आपका वही वह किसका परिणाम है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का, यानी कि चयापचय परिवर्तन का। आपका यदि मेटाबॉलिज्म में यानी खाना अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है और पच रहा है, उसका स्वांगीकरण अच्छा से हो रहा है, ऊर्जा अच्छे से बन रहा है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होता है, तो आपका शारीरिक वृद्धि और विकास अच्छे से होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा में के दहन से कितनी लब्धि यानी कि ऊर्जा यानी कैलोरी प्राप्त होती है दोस्तों, तो 9.3 कैलोरी या 9.1 कैलोरी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के कार्य क्या है दोस्तों, तो अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण मलोत्सर्जन, ये अंतर्ग्रहण के पाचन तंत्र के 5 प्रक्रिया होती है, यानी हम मुख के अंदर भोजन लेते हैं अंतर्ग्रहण, फिर हमारे अंदर जाता है अमाशय में स्टोमच में जहाँ भी पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज उसका पाचन करते हैं, फिर जाता है छोटी आंत में, ठीक है, तो वहाँ पे आपके जो अग्नाशयी रस होते हैं एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन ये पाचन करते हैं, उसके बाद पचे हुए खाना का अवशोषण होता है छोटी आंत के बिलाई में, उसके बाद अवशोषण होकर के हमारे रक्त में पहुँचता है जहाँ जा करके ऊर्जा बन करके हमारे शरीर के लिए उपयोग होता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। एंड उसके बाद जो बचा हुआ फालतू पदार्थ होता है वो मलोत्सर्जन कहलाता है, यानी 5 प्रक्रिया होती है, अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण मलोत्सर्जन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात कितना होता है, तो दोस्तों श्वसन विनिमय अनुपात यानी कि श्वसन गुणांक जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, ये होता क्या है कि उत्सर्जित CO2 यानी कितना CO2 को हम उत्सर्जित कर रहे हैं और कितना हम ऑक्सीजन को उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकाल रहे हैं और कितना हम CO2 को O2 को यानी ऑक्सीजन को उपयोग कर रहे हैं, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं RQ, यानी ऑक्सीजन का उपयोग कितना कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कितना निकाल रहे हैं, दोनों के अनुपात को RQ कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं, तो इसी को कहते हैं RQ। RQ बराबर होता है उत्सर्जित CO2 अपान उपयोग की गई O2। तो सभी भोज्य पदार्थों का अपना अपना RQ होता है, जैसे कि ग्लूकोज का RQ जो है 1 होता है, वसा और प्रोटीन का RQ यानी 1 से कम होता है, कार्बोनिक अम्ल का होता है 1 से अधिक लगभग 4 होता है, तो
तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात यानी आरक्यू जो है एक होता है, जबकि यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, कितना होता है एक होता है याद रखिएगा एक। और वसा प्रोटीन का पूछेगा तो एक से कम होगा, कार्बोनिक अम्ल का पूछेगा तो एक से अधिक यानी लगभग 4 होगा याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी डाउट मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम व्याख्या वह अमीनो अम्ल है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में जो है आवश्यकता होती है, तो जो हम बाहर से भोजन से प्राप्त करते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, जैसे कि कुल हमारे शरीर में 22 अमीनो अम्ल होते हैं, जो 9 हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं, 13 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है। तो जो प्रोटीन क्या है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल की सर्वोत्तम व्याख्या वह अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन की संरचना हेतु आवश्यक है किंतु अधिकांशतः जिनको शरीर उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, जो हम बाहर से लेते हैं भोजन के द्वारा, जो हम बाहर से लेते हैं भोजन के द्वारा, तो जो हम बाहर से आवश्यक अमीनो अम्ल भोजन के द्वारा लेते हैं वो 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिसमें से होता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलनिन, थ्रोनाइन, वेलिन, ट्राप्टोफॉन, हेस्टिडिन एंड और सारे, जैसे कि प्रोटीन प्राप्ति के 2 स्रोत होते हैं, यानी क्लास ए प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन, क्लास बी प्रोटीन यानी वेजिटेबल प्रोटीन। क्लास ए प्रोटीन में 8 आवश्यक प्रोटीन में से 5 होते हैं, जैसे कि मायोसिन प्रोटीन जो होता है हमारे वसा रही तमाम मछलियों में पाया जाता है। अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि अंडे के सफेद भाग में एल्ब्यूमिन, दूध के लैक्ट में लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड अंडे के पीले वाले भाग में यानी अंडे की जर्दी में वाइटेलिन पाया जाता है याद रखिएगा, पूछ सकता है। एंड दही व पनीर में कैसोनेजिन प्रोटीन पाया जाता है और रक्त में ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, ग्रास नली को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली को जो भोजन नली होता है उसे हम आइसोफेगस कहते हैं, जिसमें कर्माकुंचन के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। दोस्तों मैंने क्लास बी प्रोटीन नहीं बताया, वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन में ग्लूटेन यानी कि गेहूं तथा अन्य अनाजों में ग्लूटेन पाया जाता है, ग्लूटेन प्रोटीन। एंड लेग्यूम जो है फलियों वाली सब्जियों और दालों में लेग्यूम पाया जाता है। जिलेटिन जो होता है वनस्पति के उत्तकों से प्राप्त मांड, खमीर और पशुजन्य पदार्थ के अंतर्गत भी जो हड्डियों तथा लिगामेंट से प्राप्त किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? तो दोस्तों अग्नाशय से एमाइलेज एंजाइम जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। हमारे अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और लाइपेज जो होता है वसा को फैटी एसिड एक ग्लिसरीन में बदलता है। एंड ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन को यानी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में बदलता है। नेक्स्ट दोस्तों, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में मदद करते हैं? तो दोस्तों जठर रस जो है हमारे अमाशय यानी स्टोमक यानी पेट से स्त्रावित होता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था बीपीएससी में, हमारे जठर रस यानी पेट से कौन सा रस स्त्रावित होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम में पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज स्त्रावित होता है। तो कौन सा एंजाइम निकलता है जठर रस से? पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, जो रेनिन होता है दूध को दही में बदल देता है, दूध को पाचन करता है। एंड जो लाइपेज होता है वो पित्त रस के साथ मिलकर के वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है यानी वसा का पाचन करता है। तो जो हमारा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत यानी कि इंटेस्टाइन के भागों का क्रम क्या है? तो आंतों में 2 आंत होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिर होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, डोडिनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत 6.5 मीटर का होता है और जो बड़ी आंत का भाग होता है कोलन, फिर रेक्टम मलाशय। ठीक है, तो कोलन के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है, असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के किस भाग जहां से बाइल यानी पित्त रस निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यकृत यानी कि लीवर।
पितरस बनाता कौन है, यकृतनिवर स्टोर कहाँ पे होता है, बाइल जूस यानी पितरस कहाँ पे स्टोर होता है, जमा होता है, तो गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में। पितरस का कार्य क्या होता है, यह वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट, कौन शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है, तो पानी का संतुलन बनाने का काम करता है हमारा गुर्दा यानी कि वृक यानी किडनी जो होता है, यह रक्त का फिल्टर करता है और मूत्र का निर्माण करके बाहर निकालता है, यह हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वसा यानी फैट्स शरीर में किस रूप में संचित होता है, तो फैट जो है हमारे शरीर में ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में एडिपोज टिश्यू के नीचे एकत्रित रहता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ऊर्जा देता है, लेकिन जब ज्यादा होता है वो जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में जमा होता है, एंड जो हमारे प्रोटीन होता है हमारे शरीर में जमा होता है अमीनो एसिड के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों, पैंक्रियाटिक रस क्या होता है, तो पैंक्रियाटिक रस पैंक्रियाज जो है ऐसा है जो मिक्स ग्लैंड है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्थापित करता है, तो एंजाइम स्थापित में करता है या हमें यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है जठर रस जिसमें से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, एंड एंजाइम में पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, एंड हार्मोन में अल्फा बीटा डेल्टा सेल से अल्फा सेल से निकलता है लंगरहैंस की दीपिका के, अल्फा सेल से ग्लूकागन हार्मोन, बीटा से इंसुलिन एंड डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से होता है, यह पाचन तंत्र से होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मेटाबॉलिज्म में प्रक्रिया को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो जो हमारे खाना जो ऊर्जा में प्रेरित होता है एंड हम उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं यही मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है सभी प्रकार के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिलाई किस तंत्र यानी सिस्टम का भाग होता है, तो बिलाई हमारे छोटी आंत में पाया जाता है जो पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके रक्त में मिलाता है, तो यह पाचन तंत्र का भाग है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है, दोस्तों तो छोटी आंत के जो बिलाई होता है जिसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं यहाँ पे ही भोजन का अवशोषण होकर के ठीक है रक्त में समाहित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गाल ब्लेडर से कौन सा पदार्थ निकलता है, गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, तो पित्तरस का निर्माण तो करता है यकृत यानी लीवर, और स्टोर कहाँ पे होता है, तो हमारे पित्ताशय में होता है, तो यहाँ पे बाइल जूस यानी पित्तरस होगा। नेक्स्ट, 24 घंटे में कितना बाइल यानी कि पित्तरस गाल ब्लेडर से निकलता है, तो दोस्तों आधा से एक लीटर यानी 500 से 1000 ml यानी कि आधा से एक लीटर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीवर में कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है, तो हमारे लीवर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर एंड मांसपेशियों में स्टोर होता है। नेक्स्ट है, बड़ी आंत किन किन भागों से मिलकर बना होता है, यह कोलन और रेक्टम से मिलकर बना होता है, जिसके कोलन के चार भाग होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स, एंड एक और कोलन होता है जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइसोफेगस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आइसोफेगस जो भोजन नली होती है उसको गुलेट पंप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जहाँ पे क्रमाकुंचन यानी स्टैटिक प्रक्रिया होती है, क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है और हमारे अमाशय तक पहुंचता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोलन किस तंत्र का भाग है, तो सीकम कोलन मलाशय ये सभी भाग होते हैं हमारे बड़ी आंत यानी पाचन तंत्र के। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो मानव शरीर में लीवर यानी यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है, यह ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है और बाइल का निर्माण करता है। बहुत सारे कार्य हैं जिसमें प्रमुख कार्य यहाँ पे दिया हुआ है, आप सब में जो रहेगा आप देख लीजिएगा। यकृत के सभी कार्यों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी सेशन में, आप जाकर देख सकते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिए।
नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है? तो हमारा जो हृदय है वो हमारे शरीर में पंप के रूप में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है हमारा गेहूं। नेक्स्ट दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति में 1.5% कैल्शियम यानी कि 16 से 17 ग्राम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो व्यायाम एक्सरसाइज शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है हमारी दृढ़ मांसपेशियां, मजबूत मांसपेशियां। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, कि रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा को हम सुक्रोज कहते हैं। नेक्स्ट, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस अवधारणा पर फोकस करती है? तो वह कहती है कि केवल बीमारी से ठीक होना ही स्वास्थ्य नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य है। यानी कि यह किस पर फोकस करती है? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य की बात कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है गाजर। क्या होता है? गाजर। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है गाजर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन पिगमेंट किस विटामिन का निर्माण होता है? यानी कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है, यहाँ पे ए पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैरोटीन पिगमेंट से निर्माण होता है आपका विटामिन ए का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरोटीन पिगमेंट से निर्माण होता है विटामिन ए का। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन या वृद्धि कारक विटामिन, ग्रोथ विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधि हो जाता है, जो आंखों से धुंधला दिखता है, रात को दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हमारे रतौंधि के कारण रोड सेल यानी कि जो हमारा क्षण कोशिका होती है उससे ग्रसित हो जाती है और रेडोफिन लेयर खराब हो जाता है, जिससे अंधेरे उजाले में अंतर करने नहीं हो पाता है। और होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, जिसमें कौन सेल ग्रसित होता है जो रंगों में अंतर करने की क्षमता बताती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति, यह वक्तव्य किसका है? तो यह WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसको इंगित करता है? तो यह फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने और ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? तो पोटेशियम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एंटी स्टेरॉइड यानी बाष्प रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है कि प्रमुख एनिमल प्रोटीन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि अभी जस्ट बताई हूँ कि प्रमुख एनिमल प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि मायोसिन जो मांस मछली में मिलता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है अंडे के सफेद वाले भाग से एल्ब्यूमिन मिलता है, और जो अंडे की जर्दी होती है पीले वाला भाग क्वाटेलिन मिलता है, वाटेलिन प्रोटीन, और दूध से लैक्टिक मिलता है, एंड ग्लोब्यूलिन भी जो है रक्त में मिलता है, एंड अंडे के बीच वाले भाग से वाटेलिन मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड्स में कौन से शुगर्स आते हैं? तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स जो शर्करा के एक अणु से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आते हैं। एंड डाइसैकेराइड्स में कौन से शुगर आते हैं? तो डाइसैकेराइड वो होता है जो शर्करा के 2 अणु से मिलकर बनता है, जिसके अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आते हैं। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज यहाँ पे राइट होगा। माल्टोज जो है ग्लूकोज के अणु 2 अणु से मिलकर बना होता है, जिसमें माल्ट शुगर अनाज की शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है, लैक्टोज किससे बनता है? तो लैक्टोज एंड ग्लैक्टोज दोनों दूध से बनता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, सुक्रोज किससे बनता है? तो सुक्रोज जो है वो गन्ने से बनता है, जिससे हम गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रक्टोज किससे बनता है? तो जो फ्रक्टोज होता है वो फल व शहद से बनता है, जो मोनोसैकेराइड्स होता है फल व शहद से, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में फ्रक्टोज जो है वो शहद में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? तो आपको पता है, यह लीवर और मांसपेशियों में एकत्र होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फैट किससे बनता है? तो फैट जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के विभिन्न मात्रा से मिलकर बना होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निश्चित मात्रा से मिलकर बना होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक अलग तत्व तो पाया जाता है प्रोटीन में, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं दोस्तों? तो एंटी रिकेटिक विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक है, एंटी रिकेटिक विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी को, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, जिसे एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन आदि के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो प्रमुख होते हैं D2 और D3। D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल, जिसकी कमी से टिटेनी अस्थियों में ऐठन होता है, और D3 को कोले कैल्सिफेरॉल, जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। D3 की कमी से बच्चों में रिकेट्स, सुखा रोग, एंड वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, मृदुलास्थि एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट है D2 को क्या कहते हैं, जस्ट बताई हूँ। D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं और D3 को कोले कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन D2 कहाँ से मिलता है? तो सूर्य की किरणों से मिलता है, डी जो होता है। नेक्स्ट है नेचुरल विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं नेचुरल विटामिन। विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन को एंटी स्टरलेटी विटामिन यानी बाष्पन रोधी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को बोला जाता है एंटी स्टरलेटी विटामिन, इसका इसको B2 विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई को। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। एंड नेक्स्ट है विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मुख्य रूप से वही B1 में पाया जाता है, जैसे कि हमारे अनाज हो गए, दाल हो गए, अंडा, लीवर आदि से। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, B1 के रासायनिक नाम है थायमिन। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2 को रासायनिक रूप से राइबोफ्लेविन कहते हैं, जिसकी कमी से विटामिन B2 की कमी से क्या सा रोग हो जाता है दोस्तों? किलोसिस हो जाता है, ग्लाइसाइटिस हो जाता है, नेसोल बीएल डिस्वेसिया हो जाता है, यानी कि किलोसिस जो होंठ का फटना, पाचन कमजोर, रोग निरोधक कमी कमी, जीभ में सूजन, आंखों में विकार आदि हो जाती है। और विटामिन B2 जो जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, तो विटामिन B2 जो होता है सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए प्राथमिक रोल अदा करता है, सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए प्राथमिक रोल अदा करता है। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए प्राथमिक रोल कौन अदा करता है, तो B2 करता है। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B3 का दूसरा नाम है, यानी कि रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन भी इसको बोला जाता है। विटामिन B3 की कमी से चर्मद्राह या पिलाग्रा यानी चर्म रोग हो जाता है, और विटामिन B3 को 3DS के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से भूख की कमी, पाचन गड़बड़, चिड़चिड़ा, तंत्रिका में अधिक छिड़ हो जाना, रोगी पागल सा हो जाता है। 3DS से तात्पर्य होता है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया। डायरिया जिसे दस्त कहते हैं, डर्मेटाइटिस जो होता है चमड़े की निचली परत सूख जाती, सूजन हो जाती है, और डिमेंटिया मानसिक विकृति रोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? तो B3 से पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम है पाइरिडॉक्सिन, जबकि विटामिन B5 का नाम होता है पेंटाथोनिक। एंड B6 का नाम होता है पाइरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। तो विटामिन B6 और B12 दोनों की कमी से एनीमिया होता है, याद रखिएगा। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, जबकि विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 का क्या कार्य है दोस्तों? तो विटामिन B6 जो होता है वो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबाल्बिन यानी कोबाल्ट। ठीक है, और विटामिन B12 जो होता है रक्त निर्माण में विशेष सहयोग करता है और DNA के संश्लेषण में भी सहयोग करता है। इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है, इसकी कमी से पैरालिसिस एंड यादाश्त कम हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी भी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है या पर्निशियस एनीमिया। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह हमारे घावों को भरने में, कोशिकाओं को बांधने में मदद करता है।
नेक्स्ट है विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो खट्टे फलों से प्राप्त होता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, फिर अमरूद, फिर नींबू, उसके बाद संतरा वंतरा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आंखों में कौन सी दो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों, आंखों में दो तंत्रिकाएं यानी दो सेल होती हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। रोड सेल क्या होता है, ये हमारे अंधेरे और उजालों में फर्क करने का काम होता है, अंधेरों में वस्तुओं को अनुभव करने का काम करता है, अंधेरे उजाले में फर्क बताता है, जबकि कोन सेल जो होता है वो प्रकाश में एक्टिव रहता है, यानी कि प्रकाश में रंगों को बताता है किस कलर का वस्तु है, और जो कोन सेल रंगों को बताता है, और रोड सेल जो होता है अंधेरे में एक्टिव रहता है, अंधेरे उजाले का फर्क करता है। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है, तो विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, ये हमारे रक्त में प्लाज्मा में प्रोथोम्बिन प्रोटीन होता है, जो जिसका प्रोथोम्बिन का निर्माण होता है हमारे यकृत या लीवर में, तो उसको बनाने में सहायता करता है विटामिन के। नेक्स्ट है एगमार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों एगमार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नेक्स्ट है एगमार्क कब से शुरू हुआ, तो एगमार्क 1937 से शुरू किया गया। नेक्स्ट है आईएसआई मार्क की शुरुआत कब हुई, तो आईएसआई मार्क की शुरुआत हुआ 1955 में। नेक्स्ट है आईएसआई और एगमार्क किसके नियंत्रण में आता है, तो यह बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के नियंत्रण में आता है। तो दोस्तों ये था दो पार्ट में, ये दूसरा पार्ट था पाचन तंत्र एवं पोषण से, एंड नेक्स्ट पार्ट आपका सिक्रेशन सिस्टम यानी कि स्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी, वाह स्त्रावी एंड मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, एंड उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन से होगा, यानी कि सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट्स को खत्म कर लेकर के तब नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो दोस्तों सभी टॉपिक को एक एक करके मैं पूरा करती जाऊंगी, आपका डेली बेसिस रिवीजन होता रहेगा, रिवीजन ही मोस्ट होता है, जो आपको भूलने नहीं देता, आपकी याददाश्त में बना रहता है, जो आपके परीक्षा हाल में डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।